बहुत ही अच्छा। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कोमल इंदर सिंह परदेसी। और रहने वाले कहाँ के हो? वचुका तालुका, जलगांव जिला। जलगांव जिला। तो हमने देखा यहाँ राइडिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो बढ़िया राइडिंग कर रहा है, बहुत अच्छी राइडिंग कर रहा है। क्या उम्र है इसकी? 12-13 साल है। तो कितनी साल की उम्र में करने लगा है राइडिंग? 7 साल की उम्र से राइडिंग कर रहा है। 7 साल की उम्र से राइडिंग कर रहा है। 8 साल से। तो शुरू से ही सीखा। आपका लड़का एक है? आपका लड़का ही है। तो राइडिंग तो बहुत ही अच्छी कर रहा है, सबका मन मोहर कर रहा है। तो मैं बहुत अच्छी करता है और नाचता भी अच्छा पकड़ता है। क्या? घोड़ा नचाता भी अच्छा है। नचाता भी अच्छा है, वाह यार। तो पढ़ाई भी करता है क्या? पढ़ाई भी करता है। कौन सी में पढ़ता है? 8वीं में पढ़ता है। राइडिंग तो बहुत ही अच्छी करता है। तो घोड़े आपके और घर पर भी है घोड़ा घोड़ी? एक ही है। तो आप दोनों बाप बेटे घूमने के लिए आए मेले में? मेला देखने के लिए। जरा कितने घोड़ा घोड़ी लेके आए? एक ही लाए। तो इसको सेल करने के लिए लाए? कैसे सेल करने के लिए? के रिंग के लिए उतारोगे? सेल के लिए। तो क्या डिमांड कर रखी है इसकी? डिमांड उसकी 11 लाख। 11 लाख। तो कितने दिन हो गए मेले में सर? अभी 2 दिन हुए। 2 दिन हुए। तो अभी तक लगे कुछ इसके? उसके 4,65,000 लगे। 4,65,000 रुपये लग चुके हैं। तो कितने तक निकालने का विचार है आपका? 7 लाख। 7 लाख तक का है। तो कोई भाई लेना चाहे तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास? तो बताओ सर। 9561417357। तो घर पर भी हैं ऐसे घोड़ा घोड़ी? स्टेट फार्म नहीं है अपना ना? स्टेट फार्म नहीं। तो आपने कितना साल हो गया घोड़ा लाइन में सर? घोड़ा लाइन में 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। तो इसे क्या शादी ब्याह के लिए रख रखा है? शादी ब्याह के लिए। तो अभी सीजन नहीं है शादी ब्याह का? कम है। तो फिर सेल करने का विचार कैसे आया दिमाग में? सेल करने का कैसा है? चलो आएंगे मेला घूम के, जरा सा मेला घूम के भी बच्चा है अपना, लाएंगे मेले से। जी जी। हम तो ये क्या राइडिंग कर रहा था, बहुत ही अच्छी ये टोपी वोपी लगा के ऐसे जच रहा है जैसे दूल्हे की तरह, बहुत ही अच्छी। ज़्यादा आगे मत ले जाना, इधर देखो मेरे तरफ घुमाओ थोड़ा। इधर आओ बस, लेके आओ। बहुत ही अच्छा। कितनी उम्र? उम्र कितनी होगी इसकी? 4 साल। 4 साल है ना। और हाइट कितनी है? 65 है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।